नगर परिषद तेंदुखेड़ा में एक महिला अपने परिवार सहित 3 बच्चों को लेकर शांति मुक्ति धाम के लकड़ी संग्रहालय में कर रही है निवास। यह महिला नगर परिषद तेंदुखेड़ा के वार्ड क्रमांक 11 की निवासी है और प्रधानमंत्री द्वारा पट्टा भी मिल गया है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास के लिए जगह नसीब नहीं हो पाई और न ही प्रधानमंत्री आवास। जब महिला को कुछ समझ में न आया तो अपने पति और छोटे छोटे नन्हे ननिहालों के साथ शांति मुक्ति धाम को ही बनाया अपना आशियाना। उस महिला से बात की तो उस महिला का साफ तौर से कहना है, जब तक हमारे लिए आवास उपलब्ध नहीं होता तब तक मुक्ति धाम अपना आशियाना बनाऊंगी। प्रशासनिक अधिकारियों कलेक्टर दीपक सक्सेना से जवाब मांगा तो 3 दिन के अंदर कार्यवाही की बात रखते हैं। सुमन वाल्मीकि अपने शांति मुक्ति धाम में सर जहाँ लकड़ी संग्रहण की जगह बनी हुई है, अपने बच्चों अपने परिवार के साथ रह रही है, उसके पास पट्टा भी है सर, मुक्ति धाम में रहने के लिए मजबूर है, क्या कार्रवाई है? देखिए, ये बात आपने हमारे संज्ञान में लाया है, इस संबंध में हम CMO साहब से चर्चा करेंगे। यदि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसकी पात्रता बनती है तो उसको आवास उपलब्ध कराया जाएगा। सर अभी तो वो मुक्ति धाम में रह रही है सर, तो मुक्ति धाम के पास बनी हुई कोई लकड़ी संग्रहालय सर जस्ट बाजू रह रही है, इसके हम जांच करा लेते हैं और उसको उचित जगह उसकी कार्रवाई करते हैं। कहाँ की निवासी हो? 11 नंबर वार्ड तेंदुपुर। आप मुक्ति धाम में अपना आशियाना क्यों बना के रखी हो? मजबूर है भैया, हमारा घर पिछली आ जाती, पानी भरता है, नल या कुछ नहीं यहाँ पे, इसलिए हम मजबूर रहते। आपने कहीं इसकी शिकायत नहीं की? किया है नगर पंचायत में। क्या बोलती है वो? कहता आएगा नाम, अभी तो नाम नहीं आया मकान का, सब आ गया, हमारे नहीं आया। अगर आपको आवास नहीं मिलता तो क्या करोगी? हम मुक्ति धाम में रहेंगे। कब तक मुक्ति धाम में रहोगी? जब तक हमारा मकान का नाम नहीं आएंगे यहीं पे रहेंगे। कितनी बच्ची हैं आपके? हमारे 3 लड़के हैं। पति भी रहते हैं? पति भी रहते हैं। पूरा परिवार यहीं निवास करता है क्या? जी सर।